अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ रबाब रिज़वी। आप लोग देख रहे हैं फ्यूजन कुकिंग विद शेफ रबाब रिज़वी। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा सैंडविच। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। 4 पीता ब्रेड, तेल, ब्लैक पेपर, दही, मस्टर्ड पेस्ट, थाइम, पेपरिका पाउडर, ओरिगानो, पिज़्ज़ा चीज़, चाइनीज सॉल्ट, चिकन पाउडर, लहसुन अदरक पेस्ट, बेजिल, स्वीट कॉर्न, बंद गोभी, कुटी हुई लाल मिर्चें, चिकन जूलियन कट। सबसे पहले हम अपनी चिकन में लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून, टू टेबल स्पून दही डालेंगे, हाफ टेबल स्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ से थोड़ा कम सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालिएगा। वन टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, हाफ टेबल स्पून सिरका, हाफ से थोड़ा कम जो है पेरी पेरी सॉस, हाफ टी स्पून चिली सॉस, हाफ टेबल स्पून ऑस्टर सॉस और लिटिल बिट सोया सॉस। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून चाइनीज सॉल्ट, अब इसे मैरिनेट करके 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। हमने 1 से 2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट कर लिया। अब हमने अपना पैन चढ़ा दिया, पैन के अंदर हम ऑयल डालेंगे। थ्री टेबल स्पून हमने ऑयल डाला, ऑयल के अंदर हम चिकन डालेंगे अपनी, अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि हमारी चिकन गल जाए अच्छे से, अच्छी ना आए। जब तक हमारी चिकन हो रही है हम अपनी ब्रेड को हल्का हल्का सेक लेते हैं।
ये देख सकते हैं एक तरफ से हमारी हो गई है, अब हम दूसरी तरफ से इसे सेक रहे हैं ताकि अच्छे से सिक जाए, कच्ची ना रहे। हमारी चिकन हो रही है, अब हम इसके अंदर वन टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे। और इसे पकने के लिए और रख देंगे। ये देख सकते हैं आप हमारी दोनों तरफ से सिक चुकी है अच्छे से, अब हम इसे उतार के दूसरी डाल देंगे अपनी। ये देख सकते हैं हम हमारे मसाले सारे अच्छे से भुन चुके हैं, चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, दही का पानी अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसे ठंडा करेंगे फिर अपने सैंडविच रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर केचप डालेंगे। थोड़ा सा चिली केचप डालेंगे। थोड़ा सा पिज्जा सॉस। बिल्कुल हल्की सी ओलिव मायोनीज। ओलिव मायोनीज है ये। अब इसके ऊपर हम अपनी चिकन रखेंगे। बंद गोभी, स्वीट कॉर्न्स, पिज़्ज़ा चीज़, और इसे हम फोल्ड कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप हमारा पिज़्ज़ा सैंडविच रेडी हो चुका है। ऐसे ही अब अपने सारे पिज़्ज़ा सैंडविच रेडी कर लेंगे। इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। थोड़ा सा केचप, थोड़ा सा चिली केचप, थोड़ी सी ऑलिव मायोनीज, अगर आप लोग कोई और सी मायोनीज खाते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग को पसंद नहीं है मायोनीज तो आप नहीं लगाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है लगाना।
इसके ऊपर बंद गोभी, स्वीट कॉर्न्स, पिज़्ज़ा चीज़, थोड़ी सी बेजल लीफ खुशबू के लिए, थोड़ा सा ओरिगैनो, और इसे हम टूथपिक से जो है वो बंद कर देंगे ताकि ये खुले ना। यहाँ हमने एक तवे के ऊपर पिज्जे पैन को पहले से चढ़ा के रखा होता, इसके अंदर हम अपने सैंडविच रखेंगे। ऐसे ढक देंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारे सैंडविच अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारा सैंडविच अच्छे से रेडी हो चुका है, पिज़्ज़ा सैंडविच। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने घर पे रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।